कलयुग को अधर्म, अन्याय और अनीति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक इंसान एक वेश्य दरिंदा बन जाएगा, जिसके लिए धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, प्रेम दया और अपना पराया किसी भी चीज का कोई मोल नहीं रह जाएगा। केवल और केवल द्वेष, घृणा, पाप और निर्दयता का भयानक और भयावह अंधकार होगा, जिसमें सारी मानव जाति जल रही होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं अधर्म के प्रति कलयुग का आरंभ कब, कैसे और क्यों हुआ? तो चलते हैं अनूठी विरासत के इस रोमांचक सफर में और जानते हैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र धर्मात्मा राजा परीक्षित के अंत और विश्वरूपी कलयुग के आगमन की कहानी। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं पूर्ण कर मृत्युलोक को त्याग कर देवलोक चले गए और इसके बाद पांडवों ने भी अपना सारा राजपाट अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय को चले गए। वीरवर राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। अपने पिता और दादा की तरह राजा परीक्षित भी महावीर और धर्मात्मा योद्धा थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में घूम रहे थे, तभी वहां उन्हें इंसानी रूप धारण करे कलयुग मिलता है। कलयुग उनसे राज्य में रहने के लिए शरण मांगता है। धर्म और न्याय के प्रतीक वीरवर परीक्षित ये जानते हुए कि कलयुग अन्याय और अधर्म का प्रतीक है, शरण में आए कलयुग को अपने राज्य में रहने से मना नहीं कर पाए। परंतु राजा परीक्षित ने कलयुग को केवल 5 स्थानों पर रहने की अनुमति दी। ये 5 स्थान कुछ इस प्रकार है: जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ शराब पी जाती है, जहाँ स्त्री शोषण होता है, जहाँ हिंसा होती है और 5वां स्वर्ण था। ये 5 स्थान कर्म से असत्य, मद, अन्याय, निर्दयता और लालच के प्रतीक है। इसके कुछ देर बाद ही कलयुग राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में जा बैठा और उन्हें अधर्म और अन्याय के लिए उकसाने लगा। कई घंटे जंगल में भटकने के बाद राजा परीक्षित का भूख और प्यास से हाल बेहाल हो चुका था। कुछ देर बाद राजा परीक्षित को एक आश्रम दिखाई देता है। जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें साधना में लीन एक ऋषि दिखाई देते हैं। वे उनके पास जाते हैं और उनसे पानी मांगते हैं, परंतु गहन साधना में लीन होने के कारण ऋषि कोई जवाब नहीं देते। तभी मुकुट में बैठा कलयुग राजा परीक्षित को ऋषि को उनकी आज्ञा नहीं मानने पर मृत्युदंड देने के लिए उकसाता है, परंतु राजा अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन पास ही एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी को यह पता चलता है कि उनके पिता का किसी राजा ने तिरस्कार किया है, इस पर ऋषि पुत्र श्रृंगी क्रोधित हो उठता है और राजा को श्राप दे देता है, जिसमें राजा की मृत्यु 7 दिन बाद तक्षक सांप के काटने से हो जाएगी। जब ऋषि समीक को इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो वो अपने पुत्र श्रृंगी को समझाते हैं कि क्रोधित होकर किसी राजा को बिना जाने दंड दे देना बहुत बड़ा पाप है। तुमने एक धर्मात्मा राजा जिसने खुद ये अपराध नहीं किया उसे मृत्युदंड दे दिया। ये सब मुकुट में बैठे कलयुग की वजह से हुआ था, इसमें राजा का कोई दोष नहीं था। जब राजा परीक्षित अपने महल वापस आ जाते हैं और जैसे ही अपने सर से मुकुट उतारते हैं, उन्हें कलयुग द्वारा कराए गए अपराध से ग्लानि होती है और बहुत दुखी होते हैं। ऋषि समीक राजा से मिलने के लिए उनके पीछे पीछे उनके महल पहुंच जाते हैं। राजा परीक्षित ऋषि समीक का आदर सत्कार करते हैं। इसके बाद ऋषि समीक उनको अपने पुत्र श्रृंगी के द्वारा दिए गए श्राप के बारे में बताते हैं। ये सुनकर राजा परीक्षित ऋषि समीक से अपनी मुक्ति का उपाय पूछते हैं। इस पर ऋषि उन्हें अपने गुरु के पास जाने के लिए बोलते हैं और इसके बाद राजा परीक्षित अपने गुरु के पास चले जाते हैं और उनसे अपने श्राप के बारे में बताते हैं और मुक्ति का रास्ता पूछते हैं। इस पर उनके गुरु उन्हें भगवद गीता का पाठ करने के लिए भगवान सुखदेव के पास भेज देते हैं। भगवान सुखदेव के पास जाकर राजा परीक्षित उनसे मुक्ति का रास्ता पूछते हैं तो भगवान सुखदेव उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण के जीवन लीला का बखान करते हैं। इसके बाद राजा परीक्षित भगवान की भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। 7वें दिन जब वो ध्यान में लीन भगवान की तपस्या कर रहे होते हैं, तब तक्षक नाग उन्हें काट लेता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सत्यवादी धर्मात्मा राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही अधर्म, अन्याय और अनीति के प्रतीक अंधकार रूपी भयावह कलयुग का आरंभ हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।